जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और बीजी के इस क्लास में हम देख रहे थे क्वेश्चंस वगैरह, जिसमें हमने सिंपल पढ़ लिया था, कंपाउंड भी पढ़ा, और कंपाउंड में हमने पढ़ा कंपाउंड डिस्काउंट परसेंट का प्राइस पढ़ा था। आज एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप, जो टैक्स 004 वाला है, उसमें देखिए जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको आपको किस रूप में मिल रहा है। डिस्काउंट देखिए तो मिल रहा है 1600 प्लस 3200, ऐसा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग अगर 48 अगर जोड़ के लिख दोगे तो भी गड़बड़ आ जाएगा अमाउंट। और यहाँ दो डिस्काउंट मिल रहा है 1600 और 3200 रुपए, तो कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आप? कॉन्फ़िगरेशन में। कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन में। किचन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किचन में ऑलरेडी इन्वेंट्री में आपने कंपाउंड कर रखा है, यहाँ तो कोई चेंजिंग करनी नहीं है, कंपाउंड ही रहेगा। छोड़िए, आपको आना है कहाँ पे? आपको आना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ आने के बाद आपको आना है परचेज पे। परचेज पे आने के बाद मेन में आएंगे, और मेन में आने के बाद आप वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंपाउंड डिस्काउंट वाला, क्लिक करेंगे। इसमें आपको लेना है, लिख लीजिएगा क्वेश्चन के नीचे, उसमें लेना है आपको कंपाउंड डिस्काउंट एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी अमाउंट में लेना है एब्सोल्यूट अमाउंट। अच्छा आप इसको भी क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से इसके आपसे पीछे जाएंगे और आ जाएंगे ट्रांजेक्शन पे, परचेज में, और ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन को ऐड करेंगे, इंटर करेंगे। 28% ही रहेगा। पार्टी का नाम क्या है? असुतोष है, असुतोष ले लिया। और यहाँ पे क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे आप आइटम का नाम? पूजा सीमेंट। क्वांटिटी कितनी है? 20 है। इंटर करेंगे रेट, इंटर करेंगे रेट मांगेगा। प्राइस का पैक कितना है? देखिए प्राइस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 6474, 6474.38 ये एमआरपी है इसका, इंटर। लेकिन डिस्काउंट की बात कितना मिला, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो वैसे लिखेंगे 1600 प्लस 3200, ऐसे लिखेंगे आप। हाँ, एक जोड़ कर लिख दिया 4800, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 1632 लिख रहा हूँ, अमाउंट आ गया 6234, सही आया। देखिए तो उसमें लिखा है 6534, सही आ गया है ना? हाँ, लेकिन अगर वही जोड़ के लिख रहा हूँ तो देखिए अंतर क्या आ रहा है, देखा। देखिए आ गया अमाउंट ना, लेकिन एक बार फिर से मैं पीछे कर रहा हूँ। और जैसे आपने, आपके दिमाग में कुछ कुछ टाइम के लिए आएगा, चलो भाई 1632 कितना हो गया, 48 हो गया ना? हाँ सही है। और इंटर करिए, अभी भी आ जा रहा है। हाँ आ जा रहा है, जोड़ के भी लिखेंगे तो आ जाएगा। अमाउंट में ना, परसेंटेज में अलग आएगा, सॉरी परसेंटेज में अलग आएगा। परसेंटेज में अगर दिखाया जाए करके आप लोगों को, परसेंटेज में अलग आएगा। 10 प्लस 5 दिया, 10 प्लस 15 नहीं लिख देंगे। क्यों? आशीष एग्री हो इस बात से? करके दिखाए थे ना प्रैक्टिकल? ठीक। हाँ कल नहीं, परसों की बात कर रहा हूँ। 10 10 5 वाली बात किस दिन हो रही थी? तो तुम्हारे नहीं थे कल, कल ही की बात कर रहा हूँ ना। आप लोग लिखने ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है? और क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ आएंगे और अप्लाई टैक्स कर देंगे। देखिए तो टैक्स आ गया, देखिए टैक्स ज्यादा आ रहा है ना। इस लाइन को एडिट करिए, ये अपना से एडिट कर दिए, ज्यादा आ रहा है टैक्स। कितना आ रहा है, कहाँ ज्यादा आ रहा है? तो सही बोली हो, क्या बोला है? अच्छा ठीक, चलिए भाई मान लिए, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, राउंड अप लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाएंगे? लगेगा। प्लस की माइनस, माइनस प्लस कितना, 0.12, सही है। तो क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और ये, और पिन नंबर क्या दिया हुआ है? टैक्स 0004।
हो गया ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अभी तो एक एक आइटम आ रहे थे, अभी तो एक एक आइटम आ रहे थे। अरे यार आप, अभी तक एक एक आइटम आ रहे थे और फिक्स उसपे 28 या 18 लग रहा था, तो आप यहाँ पे लोकल 28 या 18 ले ले रहे थे, सही बात थी। लेकिन अगर मान लो दो आइटम ले रहे हो, दोनों पहले एक पे 28 रहता, दोनों पे 28 रहता, कोई दिक्कत नहीं रहता। पहले एक पे 18 लग रहा है, एक पे 28 लग जाए तो मल्टी रेट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मल्टी रेट। मल्टी रेट का मतलब कि 18 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। तो आप यहाँ पे आएंगे लोकल पे, और यहाँ पे क्या लेंगे, लोकल में ही मल्टी रेट लेंगे। क्या लेंगे? मल्टी रेट। पार्टी का नाम क्या रहेगा? आशुतोष ही दिया, देखिए आशुतोष। अगला क्वेश्चन देखो ना भाई, 05 वाला, आशुतोष ही रहेगा। और आइटम का नाम क्या रहेगा? अंबुजा। 20 क्वांटिटी 20 है, और रेट कितना दिया हुआ है? मतलब इसमें कोई डिस्काउंट वाली बात नहीं है, ठीक है? तो 6,000, हाँ बस 6,000 डाल देंगे और इंटेंट कर देंगे, बस और कुछ करना नहीं है। 6,000 हो गया। और एक और आइटम है, MS राउंड बार, कितना है? कितना MM का है? 10 MM का। कितना है? 100 ऊपर 120 था, ऊपर 120 था ना। कितना इसका कितना है? 173 है। हाँ, क्वांटिटी रेट कितना है? 40 है, 40 रुपये। हाँ क्या है जी? तो क्वांटिटी ज्यादा 100 के अंदर 40 का। अच्छा तो डालिए 173.40 आ गया। अब देखिए क्यों आया है 1.40 आया है, कैसे आ गया है? अभी इसमें डालेंगे तो नहीं आएगा। कारण क्या है कि जब हम केजी बनाए थे तो उसके नीचे नहीं पूछा था डेसिमल प्लेसेस, उसमें हम दो डाले थे। जब इसकी यूनिट बनाए थे मॉडिफाई करने के लिए, अल्ट एम, यूनिट पे आइए, अल्ट एम। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, हम लोग जब टैली में बनाते थे तो उसमें डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे एक ऑप्शन आता था, याद आ रहा है? आप 2 3 लेते थे, इसीलिए लेते थे कि डेसिमल में जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम डेसिमल में लेंगे तो आएगा, नहीं लेते तो नहीं आता, ठीक है? अब सीधा सीधा यहाँ पे आएंगे और अप्लाई टेक्स पे क्लिक करिए, टेक्स आ गया इसका। तो दो टेक्स आएगा, एक पे देखिए, एक एक सीजीएसटी आया है 14 प्लेट्स के, 1,08,000, और एक आया है सीजीएसटी 9% ग्रेड से, कितना है? 624 रुपया। मैच करा लिए जो, सही सही है, कुछ सर, भी लगाने की जरूरत नहीं है बस। और इसको क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। क्या क्या राउंड अप? बाबू जो आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं ना, उनके बिहाफ पे आपको काम करने होते हैं। हाँ सर, मिलेगा, कैसे कैसे जाएगा? हाँ आपको हाँ मिलता अरे भाई, परचेज सेल्सों का तो है, परचेज एटीएम तो है, कुछ मिलेगा ना तुम्हें है सर, सर, परचेज में ही मिलेगा। और वही सेल्स पर वो जब पड़े हैं डिटेल सब अपडेट हो गए, उस सेल्स पर करना क्या है सर, ये कोई और साथ देगा मुझे। हाँ जैसे कटर को कुछ आपने देता है, एक बात बताइए, मान लीजिए परचेज के तो कोई बिल दिया ऐसा चढ़ा दिए ना, तो सब रेट पर चढ़ाइए दिए, एसेसरी नंबर बेचने जो जो है सब चढ़ा दिए। अब बेच रहे थे किसी पार्टी को, बेचेंगे एक पार्टी का नंबर ना बनाना होगा आपको, और यही होगा तो सब करेंगे 250 में बेच देंगे, ये नहीं करेंगे। इसके अलावा क्या करना है? सारा काम तो परचेज से ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाहता हूँ? रजिस्ट्रेशन नंबर पे ऐसे जो भी लगा दो, परचेज नहीं भी लगा दो, देख और जो कह रहे थे स्टेटमेंट देख के, वो तो बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही है, बैंक स्टेटमेंट आपको पढ़ा ही है कि कैसे चढ़ाए। चलिए ये मल्टी रेट वाला क्वेश्चन हो जाएगा बाबू। हाँ चलिए चले, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी बता दे। एक क्वेश्चन बस लास्ट है, बस लास्ट है। अरे ये क्लास ही है, कितना क्वेश्चन लगा? क्या कर रहा? एक बार ये बता दीजिए, चलिए बता दे रहे।
इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, इंटर करेंगे। चलिए ठीक।